समुद्र से कौन सा लवण निकाली जाती है? अब बताइए, समुद्र से कौन सा लवण निकाली जाती है? समुद्र से ये तो बताने वाली चीज है नहीं, ये तो बताएंगे नहीं आपको, बताइए आप ही। समुद्र से कौन सा लवण निकाली जाती है? चलिए मैं बताता हूँ। देखो, समुद्र से जो लवण निकाली जाती है उसका नाम है नमक। कौन सा निकाली जाती है? नमक। आपने भारत में सबसे ज्यादा नमक उत्पन्न करने वाला कौन सा राज्य है? वो है गुजरात, क्योंकि वो समुद्र के नजदीक पड़ता है। क्योंकि वो क्या पड़ता है? समुद्र के नजदीक पड़ता है। गांधी जी ने दांडी यात्रा गुजरात के साबरमती आश्रम से स्टार्ट करी थी और दांडी तक खत्म कर दिए थे। तो दांडी मार्च आपको बता दिया गया। दांडी मार्च क्या था, देखो मैं आपको समझा दे रहा हूँ शॉर्ट में। गांधी जी साबरमती आश्रम से स्टार्ट किए थे, लगभग कुछ लोगों के साथ, मतलब 78 लोग लेकर वहां से चले थे। क्यों? अंग्रेज जो थे ना, नमक पर भी क्या किए थे? टैक्स लगा दिए थे कि नमक खरीदेगा तो इतना टैक्स लगेगा, इतना टैक्स लगेगा। उस टैक्स को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से स्टार्ट करी थी यात्रा। मतलब पूर्ण उसी समय इनका चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था इसको लेने के लिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन में 11 सूत्री मांग रखे थे, लॉर्ड इरविन से बोले थे कि हमारा मांग पूरा करो, लेकिन उस समय पूरा नहीं करता है, तो वो दांडी यात्रा स्टार्ट कर देते हैं। तो कहते हैं हमारा मांग कैसे नहीं पूरा करेगा? वो साबरमती आश्रम से स्टार्ट करते दांडी मार्च, वो मतलब वहां से शुरू करते लगभग 78 लोग लेकर। अब वो जाते 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 समुद्र के किनारे दांडी तक पहुंचते पहुंचते 20,000 लोग उनके आसपास रह जाता है, 20,000 लोग उनके आसपास चले जाते हैं, मतलब 20,000 लोग उस आंदोलन में भाग लेते हैं। और वहां पर मतलब बनाकर, वहां नमक बनाकर जो अंग्रेज का नमक कानून था ना, उसको तोड़ दिए, उसका विरोध किए जबरदस्त। वो थे महात्मा गांधी जो अपने अपने देश के लिए, अपने देश की भलाई के लिए अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर किए थे। उस महात्मा गांधी तक को भी कोई कोई गलत बोलता है, अरे भैया उनके बारे में जाकर तो जानिए कि महात्मा गांधी थे कौन और उनको क्यों हम लोग राष्ट्रपिता कहते हैं, पहले उनके बारे में जान लीजिए, ठीक है ना। तो नमक कानून क्या था? नमक कानून अंग्रेजों ने नमक पर, अंग्रेज जो थे ना, हर चीज पर विरोध लगा कर रखे थे, हर चीज पर टैक्स लगा कर रखे थे पैसा कमाने के लिए। लूटने तो अभी किए थे, सोने के चिड़िया को खोखला बनाकर चले गए ससुरी, कम समझते हैं। अपने देश को जो सोना का देश कहा जाता है इंडिया, इसको पूरी तरह से लूट कर चले गए। कौन लेकर चले गए? अंग्रेज। आधुनिका के बैठे, हम लोग खोखला बने बैठे, लेकिन आज भी भारत से सोना कम नहीं हुआ है, आज भी भारत सोने से कम नहीं है, भारत आज भी सोने की चिड़िया कही जाती है, ठीक है। देखो, तो हम लोग कहा थे नमक समुद्र से कौन सा लवण निकाली जाती है? नमक निकाली जाती है। ये कहाँ पर सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला नमक है, कौन सा राज्य है? वो गुजरात है। गुजरात में दांडी से, महात्मा गांधी दांडी मतलब साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा स्टार्ट करी थी।